तो आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर है और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब इंडिया अलायंस एससी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है
उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर गारंटी हलो गारंटी पूर्ण होबार गारंटी। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है। एक एक